हाउ टू एक्सपोर्ट सिगरेट लाइटर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सिगरेट लाइटर को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ डिमांड है, कैसे 5 लाख रुपए सिगरेट लाइटर को एक्सपोर्ट करके आप कमा सकते हैं, कौन सा सिगरेट लाइटर। ये इस तरीके का जो सिगरेट लाइटर आप देखते हैं, जैसे ये यूएसए का सिगरेट लाइटर है, हमारे एक स्टूडेंट हमें दे के गया था, ये इंडिया में सिगरेट लाइटर है जो कि सस्ते मिलते हैं, यहाँ ज़्यादा कंज्यूम होते हैं इस तरीके के, और ये यूएसए वगैरह में बाकी कंट्री में चलते हैं। आगे देख लेते हैं और एक्सपोर्ट में किस तरीके की क्वालिटी के जो सिगरेट लाइटर है वो ज़्यादा चलते हैं या इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। सो वो सब आपके लिए मैं लेके आया हूँ इस छोटी सी वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, सर ऐसा कोई प्रोडक्ट बताइए जो कम बजट से स्टार्ट हो सकता है, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है। तो माय फ्रेंड, ये वो प्रोडक्ट है जो कि कम बजट से भी आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो ये जो आप पीछे देख रहे होंगे किस तरीके की जो लाइटर है इंटरनेशनल मार्केट में, जो इस तरीके का ये वाला जो लाइटर है ये इंडिया में ज्यादा चलता है, जो मैंने इसको आपको दिखाया भी है, ये वाला जो लाइटर है, ये वाला लाइटर इंडिया में ज्यादा चलता है, सस्ता आता है, 10 से 15 रुपए में आ जाता है ये वाले लाइटर जो है, और ये इस तरीके के, और जो फॉरन में चलते हैं वो इस तरीके के लाइटर चलते हैं, ये वाले जो लाइटर है या फिर इस तरीके के जो ये थोड़ा कॉस्टली आते हैं, और इसमें देखिए फ्लेम लेंथ भी अच्छा होता है, और ये वो आप इसका ये भी देख सकते हैं, देखिए फ्लेम भी अच्छा है, और अलग अलग डिज़ाइन में भी आते हैं, देखिए किस तरीके के अलग अलग डिज़ाइन में हैं, और ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और ऐसे मर्चेंट एक्सपोर्टर भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और कम बजट से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स भी आपको देगी, तो वो गवर्नमेंट बेनिफिट आपको क्या दे रही है, गवर्नमेंट बेनिफिट में सबसे पहले पायदान पे आता है डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। डीबी के आपको इस प्रोडक्ट में मिल रहा है 1.3% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू, परफॉर्मा इनवॉइस नहीं, कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू का 1.3% मिल रहा है आपको डीबी के, दैट इज 1.3% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। अगर मैं आईईएस की बात करूं यानी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो वो 3% मिल रहा है अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, और अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर कर रहे हैं तो आपको 0% मिल रहा है। अगर मैं आरओडीटीपी की बात करूं यानी रोड टेप रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, तो आरओडीटीपी रोड टेप आपको यहां मिल रहा है 0.5% ऑफ योर एफओबी वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जितना भी आपका एफओबी वैल्यू है उसका 0.5% आपको आरओडीटीपी मिल रहा है। जीएसटी 18% लगता है जो कि आपको रिफंड हो जाता है। आगे बात करते हैं, उससे पहले बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनकम टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, जो 17 सालों में हमने करके सीखा है वो कुछ ही दिनों में पूरा आपको सिखा देते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से इससे 5 लाख रुपए कमाएंगे, एक एक कैलकुलेशन आपके लिए लिख के लेके आऊं आपका टाइम सेव करने के लिए, इसको ध्यान से जरूर देखिए। जैसे आप इंडिया से खरीदते हैं, पर पीस आपको 8 रुपए से 10 रुपए बड़े आराम से मिल जाता है बल्क क्वांटिटी में जब आप खरीदते हैं, और भी सस्ता मिलता है। तो मैं मैक्सिमम प्राइस लेके चलता हूं कि 10 रुपए में आपने एक पीस खरीदा, और टोटल आप 1 लाख पीस खरीद रहे हैं, तो 10 लाख रुपए का आपका बाइंग प्राइस हो जाता है। और इधर देखिए 1 लाख रुपए में लिख लेता हूं, जो इजी कैलकुलेशन के लिए होता है, जो कि आपका छोटे मोटे खर्चे आते हैं, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का या फिर कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, उसको वो 70 से 80 हज़ार रुपये आता है हर शिपमेंट में लगभग, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग क्वालिटी, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए उसको हम हर बार 1 लाख रुपये लिख लेते हैं। सो अब यहाँ पर कुछ आप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी देख रहे हैं ग्रीन कलर में, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको कितने मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 19.8%, कितना 19.8%। मॉनेटरी फॉर्म में अगर बात करूं तो आपको मिल रहा है 1.98 लाख रुपीज, यानी 1,98,000 रुपए आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं। ये गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, इसलिए हम इसको फाइनल बाइंग प्राइस से माइनस कर सकते हैं। तो फाइनल बाइंग प्राइस हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए, जो हमारा बाइंग प्राइस था, प्लस 1 लाख रुपए जो हमारे खर्चे होने वाले हैं, माइनस जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं 1.98 लाख।
तो ये हो जाता है हमारा 9.02 लाख रुपीज, 9,02,000 रुपए, 9.02 लाख रुपीज आपका हो जाता है। अब ये एफओबी प्राइस इसका क्या जा रहा है, कितने प्राइस पे लोग इसको खरीदते, जो इसका एफओबी प्राइस चल रहा है वो 15 रुपए से 28 रुपए चल रहा है, 15 रुपए से लेके 28 रुपए। हम मिनिमम प्राइस लेके चलते हैं कि आप इसको मिनिमम प्राइस 15 रुपए में भी आपने इसको सेल कर दिया, यानी 10 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में इसको आपने सेल कर दिया, और 1 लाख क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो 15 लाख रुपए का आपका शिपमेंट सेल हो जाता है, बिक जाता है, एफओबी हो जाता है, फ्री ऑन बोर्ड। अब इसमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो बताइए सर। नेट प्रॉफिट हुआ 15 लाख माइनस जो हमारा परचेज था फाइनल 9.02 लाख, ये हो जाता है 5.98 लाख रुपीज, 5.98 लाख रुपीज, यानी 5,98,000, यानी आप इससे 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। एक एवरेज एक्सपोर्टर भी लाइटर को एक्सपोर्ट करके, ये जो लाइटर रहते हैं ये वाले लाइटर या फिर इस तरीके के जो लाइटर रहते हैं इसको एक्सपोर्ट करके आप 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, एक एवरेज एक्सपोर्टर भी कमा सकता है। आगे बात करते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करें तो करें कहाँ, सो वो जो 5 कंट्रीज है, टॉप 5 कंट्री जहाँ पे इसकी डिमांड है, वैसे इसकी डिमांड तो हर कंट्री में, लेकिन टॉप 5 कंट्री की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले पायदान पे हम ही लोग आते हैं, हम लोग इसका इंपोर्ट भी करते हैं और हम लोग इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो देखिए एज पर वोल्जा डाटा हम 9,000 शिपमेंट्स पर ईयर इंपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे नाम्बिया आता है जो कि 3,000 शिपमेंट्स इंपोर्ट कर रहा है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे देखिए नीदरलैंड आता है, नीदरलैंड भी यहाँ पे देखिए 2400 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है लाइटर के, गैस जो ये लाइटर होता है सिगरेट लाइटर। सो अगर मैं बात करूँ फोर्थ नंबर पे कौन आता है, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे यूएसए आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो यूएसए भी 1800 शिपमेंट्स पर ईयर खरीद रहा है। अगर मैं बात करूँ फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, तो फिफ्थ नंबर पे वियतनाम आता है, वियतनाम भी 1700 शिपमेंट्स खरीद रहा है पर ईयर, इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं एचएस कोड की बात करूं, चाहे आप एक्सपोर्ट करें चाहे इंपोर्ट करें, एचएस कोड तो आपको लगता ही लगता है। सो ये 96 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 13 है, 13, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 96, यानी 9613100, इसको आप इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस की कि सर एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, तो सभी प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट का प्रोसेस लगभग सेम होता है, जैसे कि पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको बायर फाइंड करना है। बायर फाइंड करने के लिए टोटल 15 मेथड्स ट्रेनिंग में सिखाया जाता है आपको, वो सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर वो भी आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है या आपको मेहनत करनी पड़ रही है, और उतनी मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं तो आप रेडीमेड लिस्ट ले सकते हैं, पका पकाया माल, आपके पास पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो, डायरेक्ट वोल्जा का डाटा ले सकते हैं आप। अगर मैं बात करूं जब आपने बायर को फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको बायर को वेरीफाई करना है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, जो आपको ट्रेनिंग में सारी ट्रिक्स सिखाई हुई है वो सारी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए, और इसके बाद जब आपका बायर वेरीफाई हो जाए, पार्टी जेन्युइन है, वेरीफाइड है और लोग इसके साथ काम कर रहे हैं, फिर आप उसको कन्विंस कर लीजिए कि कैसे आप उसको कन्विंस करेंगे, व्हाट इज योर यूएसपी, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपसे मैं क्यों खरीदूं, कि आपका प्राइस बहुत अच्छा है या फिर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है या फिर आपका टाइमिंग बहुत अच्छा है या आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है, जो आपकी यूएसपी रेडी कराते हैं ट्रेनिंग में वो सारा आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए और आपका बायर आपको अच्छे रेट पे लेने के लिए हो जाएगा कन्विंस। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको एडवांस पैसा भी मिल जाता है, तो आपका जब पैसा आ जाता है, पेमेंट आ जाता है, उसका कर दीजिए BRC, जो कि होता है EBRC आजकल, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेस का फाइनल प्रोसेस है, फाइनल डॉक्यूमेंट फॉर्मल है, अगर वो नहीं किया तो RBI से आ जाता है हमें नोटिस, तो उससे बचे। अगर मैं बात करूं कि इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगती है, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि EEFC इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लगेगी कि FIO लगेगी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों चलती है। अगर मैं बात करूं इसका RCMC, EEPC का RCMC 6,500 रुपए में आप आराम से ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज है, वो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना 6,200 शिपमेंट पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है लाइटर के, जो सिगरेट लाइटर होता है। सेकंड नंबर की बात करें तो जर्मनी आता है, जर्मनी भी यहाँ पे 5,000 शिपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो वी आर द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लाइटर, जो सिगरेट लाइटर होता है, हम 3,000 शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है हमारे भारतीय भाई बहनों से, जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप और इसमें मेहनत करें और बायर फाइंड करें और बायर को वेरीफाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक्सपोर्ट करें, ताकि हम 3 नंबर से 2 नंबर या एटलीस्ट 1 नंबर पे तो जरूर आ जाएं।
थर्ड फोर्थ नंबर की बात करें तो फ्रांस आता है, फ्रांस भी 3000 शिपमेंट इसके कर रहा है। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान भी 2300 शिपमेंट इसके कर पा रहा है एक्सपोर्ट। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर किसी उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि जॉब कर रहा बिजनेस में आना चाहता है, जो बिजनेस कर रहा है वो डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट है मैं बड़े चाव से पढ़ता हूं, रीड करता हूं, उनसे कुछ समझता हूं, सीखता भी हूं और उनके रिप्लाई करने की कोशिश भी करता हूं जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। और आप ऐसे हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपका आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप, देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू, कॉल नाउ।